कांग्रेस आज बीएससी के पास आंदोलन कर रही है, जिसे देख सकते हैं कि पुलिस इन्हें हिरासत में ले रही है। ये कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जिन्हें हिरासत में लिया जा रहा है। हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर आप जो ये लोगों का नुकसान हुआ है 30 लाख करोड़ रुपए का, उनको न्याय देने हम आए सर, और इसके लिए हम और तीव्र आंदोलन करेंगे, इसके लिए हम और तीव्र आंदोलन करेंगे। ये नहीं चलेगी। जो शेयर मार्केट में घोटाला हुआ है, शेयर मार्केट में 30 लाख करोड़ का घोटाला किया है मोदी और अमित शाह ने, एग्जिट पोल झूठे दिखाए, 30 लाख करोड़ का घोटाला हुआ है। राहुल गांधी की डिमांड है कि जेपीसी की जांच गठित होनी चाहिए, पुलिस हमको रोक रही है, जेपीसी की जांच गठित होनी चाहिए। जो 30 लाख करोड़ रुपया जनता का पैसा लूटा है, 30 लाख करोड़ रुपया जनता का पैसा लूटा है। जेपीसी की जांच चाहिए। शेयर मार्केट में जो घोटाला हुआ है 30 लाख करोड़ का, उसके खिलाफ 30 लाख करोड़ का जो घोटाला हुआ है उसके खिलाफ हमको जेपीसी चाहिए। राहुल गांधी की डिमांड है जेपीसी की जांच होनी चाहिए। इस देश का प्रधानमंत्री वो शेयर मार्केट में गरीबों का पैसा लूटता है, के खिलाफ जांच होनी चाहिए। जेपीसी की प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर ने झूठ बोला है। उसकी जांच होनी चाहिए, जेपीसी की जांच होनी चाहिए। तो आपने देखा कि ये वो लोग हैं जिन्हें जो यहाँ पर प्रोटेस्ट करने आए थे। इनका दावा है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में एक स्कैम हुआ है, और इसी के चलते आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बाहर ये लोग आंदोलन करने आए थे, और ये जैसे ही यहाँ पहुँचे पुलिस ने इन्हें हिरासत में ले लिया। मैं आपको दिखा दूँ कि आप इस तरफ देख सकते हैं कि पुलिस का तगड़ा बंदोबस्त लगाया गया है ताकि और कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठा ना हो सके। कैमरा सिंह गजानन के साथ सूरज ओझा, एबीपी न्यूज़, मुंबई।